ढोलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ था। उस इमली के पेड़ के नीचे रहती थी एक चुड़ैल। एक दिन चुड़ैल उस पेड़ के नीचे सो रही थी, तभी किसी की चलने की आवाज से उसकी आंख खुल जाती है और वो इधर उधर देखने लग जाती है। तभी सामने वाली रास्ते से एक बूढ़ी औरत जा रही होती है। उस बूढ़ी औरत को देखकर चुड़ैल सोचने लग जाती है, तेरी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगी बुढ़िया। ये कहकर वो बूढ़ी औरत की सामने आ जाती है और कहती है, कौन है तू? तू इस गांव में क्यों आई है? तुझे तो पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। अगर तू मरना नहीं चाहती तो यहाँ से भाग जा। आखिर तुम मुझे क्यों जाने के लिए बोल रही हो? मैंने क्या किया है? तूने मेरी नींद को खराब की है, तुझे तो नहीं छोड़ूंगी। बचना चाहती है तो जल्दी से भाग जा। तुम कौन हो और तुम मुझे ऐसे जाने को क्यों कह रही हो? मैं इस गांव की चुड़ैल हूँ और ये पूरा गांव मेरी है। चुड़ैल की हाथों से मरना नहीं चाहती तो भाग जा। हे भगवान, लगता है सच में चुड़ैल मेरी गले पड़ गई। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने बेटे से कैसे मिलूंगी? क्या कहा चुड़ैल, पर मुझे तो तुम बिल्कुल भी चुड़ैल नहीं लगती हो। पूरा गांव मुझसे डरता है। अगर तुम चुड़ैल हो तो मेरी एक शर्त पूरी करो, तभी मैं विश्वास करूंगी कि तुम हाँ सचमुच की चुड़ैल हो। बोल, क्या शर्त है तेरी? मुझे गांव की विद्यालय तक उड़ा के लेके चलो, फिर मैं विश्वास करूंगी और इस गांव से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ठीक है, तुझे जाती हूँ लेके, चल मेरे साथ। मानती हूँ कि तुम चुड़ैल हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चल, तुझे तेरी जगह छोड़ती हूँ और तू वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। उड़ते उड़ते गला सूख गई है, मैं थोड़ी पानी पी लूँ। वो सब मुझे नहीं पता, तू चल। इस बूढ़ी औरत की बात नहीं मानोगी बेटी, इस उम्र में और इतना नहीं सहा जाता। क्या, तूने मुझे बेटी कहा? ठीक है, आज से पहले मुझे कोई बेटी नहीं कही है। तू बोलती है तो ठीक है, जा जल्दी से पानी पी के आ। बूढ़ी औरत पानी की बहाने अपने बेटे की घर चली गई। मोहन, ओ मोहन, अरे मोहन बेटा, घर पे हो क्या? अरे माँ, आप इतने धूप में आप अकेली यहाँ आई हो? आप फोन कर देते, मैं चला जाता आपके पास। कोई बात नहीं बेटा, सोचा तुझसे मिलने के बहाने तेरा नया घर भी देख लूँगा। तू खुश है ये मेरे लिए अच्छा है, अब मैं चलती हूँ। अभी तो आए हो, अभी क्यों जा रहे हो? बैठो। नहीं बेटा, तेरी बहन घर पे अकेली है और शाम हो चुकी है, मुझे जाना होगा। ठीक है माँ, ठीक से जाना, अपना ख्याल रखना। ये कह के बूढ़ी औरत घर से निकल जाती है। पानी मैंने पी ली है, अब तुम मुझे अपनी जगह छोड़ दो। और फिर से चुड़ैल बूढ़ी औरत को लेके उड़ते उड़ते पहली जगह पे पहुंच गई। जा, कभी वापस मत आना।
तुम भी जाओ, पेड़ के नीचे जाके सो जाओ। ये कह के बूढ़ी औरत अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगी। तुझे तो बहुत मजा आया उल्लू बनाने में, हा 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 हा।